नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का साहित्य ज्योति में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास सिक्स के ज्योग्राफी के सिलेबस को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम लोग सभी क्लासेस के सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से क्लास सिक्स के अब तक की हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस, हिस्ट्री, इतने सब्जेक्ट के सिलेबस की बात कर चुके हैं, उनको हम जान चुके हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी के सिलेबस को जानेंगे, ठीक है, हमारी पृथ्वी ज्योग्राफी के सिलेबस को जानेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट सेमेटिव से लेकर थर्ड सेमेटिव तक में कौन कौन से चैप्टर एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट सेमेटिव है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सेमेटिव है, जिसमें सबसे पहले सूर्य तारों से भरा आकाश, ये हमारा लेसन वन, सूर्य तारों से भरा आकाश। इसके बाद क्या पृथ्वी गोल है, ठीक है, ये चैप्टर आ रहा है। तुम कहाँ हो, ये हमारा तीसरा चैप्टर है ज्योग्राफी के बुक का वो। और उसके बाद पृथ्वी की आवर्तन गति, चैप्टर फोर। तो चैप्टर वन, टू, थ्री और फोर ये आ रहा है। इसके बाद आप देखोगे भारत का सामान्य परिचय, ये संभवतः चैप्टर टेन है, आप एक बार बुक में चेक कर लीजिएगा या फिर अपने स्कूल के सर या मैडम से पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे भारत का सामान्य परिचय। और इसी में एक और है कि भारत की भू प्रकृति और नदियां, जब हम भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे तो उसके भीतर हमें भू प्रकृति और नदियों को भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर्स हमारे फर्स्ट सेमेटिव में आ रहे हैं। सेकेंड सेमेटिव की अगर बात करें तो सेकेंड सेमेटिव में जल, स्थल, वायु, बर्फ से ढका महादेश, मौसम और जलवायु तथा भारत की जलवायु, ये हम भारत की जलवायु जो पढ़ रहे हैं, भारत का सामान्य परिचय उसी में से हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जलवायु, भारत की मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, वन और वन प्राणी, ये चैप्टर्स सेकेंड सेमेटिव के। तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि सेकेंड सेमेटिव में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। जल, स्थल, वायु चैप्टर फाइव है किताब में, अगर आप किताब खोलेंगे उसमें पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर फाइव मिलेगा जल, स्थल, वायु, चैप्टर सिक्स मिलेगा बर्फ से ढका महादेश, चैप्टर सेवन मिलेगा मौसम और जलवायु, ठीक है। और इसके बाद आप जो भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसी में आपको मिलेगा जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, वन और वन प्राणी, ठीक है, ये आपका सेकेंड सेमेटिव तक का। अगर हम थर्ड सेमेटिव की बात करें तो सबसे पहला चैप्टर आ रहा है वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण बुक में चैप्टर एट है, ठीक है, चैप्टर एट खोलेंगे तो आपको वायु और प्रदूषण मिल जाएगा, इसी के अंदर आपको शब्द प्रदूषण भी मिल जाएगा, शब्द प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण बोलकर है चैप्टर नाइन वो। इसके बाद आप भारत की कृषि देख सकते हैं, भारत की जनजातियां, मानचित्र, मानचित्र के भीतर आपको भारतीय प्राकृतिक विभाग, प्रधान नदियां, जलवायु क्षेत्र, कौन कौन से मुख्य जलवायु क्षेत्र हैं, ग्रीष्म और शीत, मानसूनी वायु का प्रवाह क्षेत्र, मिट्टी और प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र, ये आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये फाइनल एग्जाम है तो हम इसमें कुछ प्रीवियस लेसन को भी पढ़ेंगे जो कि फर्स्ट या सेकेंड सेमेटिव में आ चुके हैं। तो तुम कहाँ हो, ये जो फर्स्ट सेमेटिव में लेसन आया था तुम कहाँ हो, जो कि किताब में चैप्टर थ्री है, तुम कहाँ हो चैप्टर थ्री है, ये भी आएगा, चैप्टर फोर भी आएगा पृथ्वी की आवर्तन गति, ठीक है। इसके बाद चैप्टर सेवन मौसम और जलवायु, और चैप्टर नाइन, ठीक है, भारत का भौगोलिक परिवेश, चैप्टर नाइन भारत का, चैप्टर नाइन तो नहीं कह सकते हैं इसको, लेकिन ये भारत का भौगोलिक परिवेश ये हम देख रहे हैं। तो हम इसमें क्या क्या चीजें देख रहे हैं, थर्ड सबमिटिव के भीतर आपको ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि इसमें पूरे बुक से कुछ और कुछ आएगा। तो सबसे पहले जो आ रहा है वो है चैप्टर एट वायु प्रदूषण, चैप्टर नाइन जो कि ध्वनि प्रदूषण या शब्द प्रदूषण है, ठीक है। इसके बाद जब हम हमारा भारत देश चैप्टर टेन पढ़ेंगे तो उसके भीतर ही हम भारत की कृषि को पढ़ेंगे, ठीक है, कृषि को पढ़ेंगे, जनजातियों को पढ़ेंगे, जनजातियां, इसके बाद मानचित्र में हम देखेंगे मानचित्र, जब चैप्टर 11 है मानचित्र, चैप्टर 11 है मानचित्र, जिसके अंदर हम भू प्राकृतिक विभाग, प्रधान नदी, जलवायु क्षेत्र, ग्रीष्म, शीत, मानसूनी वायु प्रवाह क्षेत्र देखेंगे, मिट्टी और प्राकृतिक वनस्पति भी देख लेंगे।
इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया प्रीवियस लेसन जो पहले फर्स्ट या थर्ड सेमेटिव में आ चुका है उसमें से हम पढ़ेंगे चैप्टर 3, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर 4 जो कि है पृथ्वी की आवर्तन गति, चैप्टर 7 और लास्ट में भारत का भौगोलिक परिवेश। तो ये थर्ड सेमेटिव में आपको पूरे बुक से ही कुछ ना कुछ आ रहा है। सर मैडम उसमें आपको गाइड कर देंगे कि क्या चीज़ें देंगे वो एग्ज़ाम में, या बाहर से क्या चीज़ें आएगा या नहीं आएगा वो आपको सर मैडम बता देंगे। लेकिन बोर्ड की तरफ से जो सिलेबस दिया गया है वो यही सिलेबस है, इसको हमको फॉलो करके आगे बढ़ना है। तो आप ये चैप्टर्स पढ़ सकते हैं आगे से, ताकि एग्ज़ाम में आने से बैठने से पहले आप उसकी तैयारी को अच्छे से कर पाएँ। आशा है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी, और आने वाले वीडियो में हम लोग आगे की क्लासेस जो हैं उसके सिलेबस की भी चर्चा करेंगे, 7 की भी चर्चा करेंगे, तो आप उसको भी आगे से जाके देख सकते हैं, ताकि आप जब 7 में जाएं तो आप उसको तैयारी कर पाएं। आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।